हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नई क्रीम के बारे में जो कि एक क्लियर अप क्रीम है। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेचक यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेस। आपके चेहरे के ट्रीटमेंट के लिए ही खासकर ये बनाई गई है, जिसके कारण आपके चेहरे में यदि कोई दिक्कत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने चेहरे की परेशानी को दूर कर सकते हैं। और मैंने प्रोडक्ट इसका हमें यूज़ करना आना चाहिए। इस क्रीम का यूज़ केवल रात में ही कर सकते हैं। दिन में आप लगाने की प्रयास भी ना करें, क्योंकि दिन में लगाने से हमारे चेहरे को नुकसान भी हो सकता है, जिसके कारण हमें केवल इसका नाइट में ही यूज़ करना है। हमारे चेहरे में जैसे डार्क स्पॉट हैं या डार्क सर्कल हैं या फिर झाइयाँ झुर्रियाँ हमारे आँखों के चारों ओर जो डार्क सर्कल से बन जाते हैं, उसके लिए इस क्रीम का बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने प्रोडक्ट हमें क्रीम का यूज़ करना आना चाहिए, जिसके कारण हम अपने चेहरे को बिगाड़ लेते हैं यदि हमें पता नहीं होता है कि हमें क्रीम का यूज़ कैसे करना है। मैंने प्रोडक्ट हमें यूज़ करना आना चाहिए क्रीम का, तो उसके तत्पश्चात ही हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से त्वचा को मॉइस्चराइजेशन कर सकते हैं या फिर सॉफ्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमें अब इसको लगाना कैसे है ये देख लें। केवल नाइट में यूज़ करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया और मैं दोबारा भी आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप हमें लगाना है, पहले तो हमें अपने चेहरे को वॉश करना है अच्छी तरह से, बिल्कुल साफ़ करना है। आप जो भी फेस वॉश या सोप यूज़ करते हैं आप उससे धो सकते हैं अपने चेहरे को। धोने के तत्पश्चात आप उस क्रीम को हल्का सा लेंगे और अपने चेहरे पर रफ रफ करके लगाएंगे, ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, बस हल्के हल्के करके रफ रफ करके लगाएंगे। और हमें ट्यूब निकालना कैसे है, जस्ट ट्यूब बिल्कुल पीछे से दबा के निकालना है, बीच से या स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, जिससे कि ट्यूब में हवा भर जाए। और हवा भरने के तत्पश्चात जिसमें कि हवा उसमें देखो हवा में पानी की मात्रा घुलनशील होती है जो कि वायु में होती है। अगर हवा उसमें भरती है तो वो रिएक्शन करके कुछ भी मतलब ख़राब भी हो सकते हैं और ख़राब हो भी जाते हैं रखे रखे, तो इसके कारण आपको पीछे से दबा के निकालना है क्रीम को, जिसके कारण आपके क्रीम सेफ़ रहे और आपको चेहरे के लिए कोई नुकसान ना दे। और मैंने अपनेट ये आपको क्रीम को मतलब पीछे से दबा के निकालना ही है, और आप इसको फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, कि जो लोग मतलब रखते हैं कि क्रीम ठंडी हो जाएगी जिसके कारण हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें क्रीम को फ्रिज में रखने की। और थैंक यू फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता था आपको क्लियर अप क्रीम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट क्रीम है क्लिनामाइसिन फास्फेट एंड निकोटिनामाइड के साथ में। और ये एक क्रीम के तौर पे एक जेल है, जेल के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जेल है ही, करना क्या है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके चेहरे के लिए। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक यूज़ कर सकते हैं। बस थैंक यू फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता था बस इतना ही। अगर मेरी भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई क्रीम के साथ। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे। Thank you.